हम सभी लोग सुनते आए हैं कि कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाता है, तो यह कथन कितना सत्य है कितना गलत है आइए जानते हैं इस वीडियो में। यह बात सही है कि अपने कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाता है, पर 100% सही नहीं है। तकरीबन 90% कर्म के फल तो इसी जन्म में मिल जाते हैं, लेकिन 10% कर्म के फल अगले जन्म में मिलते हैं। आइए इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहले समझते हैं कि कर्म का फल इसी जन्म में कैसे मिलता है। एक स्त्री सुबह जागकर अपने घर की साफ सफाई करती है, फिर अपने बच्चों और पति के लिए खाना बनाती है। घर की साफ सफाई से लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और स्वादिष्ट खाना खा करके उसके पति और बच्चे प्रसन्न हो जाते हैं, तो स्त्री के इस कर्म का फल उसे संतुष्टि के रूप में उसी दिन प्राप्त हो जाता है। अब दूसरी तरफ उसी स्त्री का पति बाहर जा कर के काम करता है, फिर महीने में सैलरी ला करके अपनी पत्नी को देता है। उस सैलरी के द्वारा परिवार की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, यानी एक व्यक्ति जिन्होंने महीने भर कर्म किया उसका भी फल उसे अंत में प्राप्त हो गया और इसी जन्म में प्राप्त हो गया। जब हम किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी बेसहारा या लाचार को सड़क पार कराते हैं, तो वह हमें दुआएं और आशीर्वाद देता है। हमें प्रसन्नता के रूप में वह फल भी इसी जन्म में मिल जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी के साथ में बदतमीजी करता है तो उसे थप्पड़ के रूप में उसका फल भी तुरंत मिल जाता है। जब कोई हत्या या बलात्कार करता है तो हत्या और बलात्कार के कर्मों की सजा भी देर से ही सही लेकिन लोगों को दी जा रही है और इसी जन्म में दी जा रही है, मतलब इसका भी फल इसी जन्म में मिल जाता है। अब समझते हैं कि कुछ कर्मों का फल दूसरे जन्म में कैसे मिलता है। अगर इस जन्म के कर्म का फल दूसरे जन्म में नहीं मिलता तो सारे के सारे बच्चे एक जैसे हालात में पैदा होते, क्योंकि तब उनके पिछले जन्म का कोई भोग इस जन्म में उन्हें भोगना ही नहीं पड़ता। फिर इतने सारे बच्चे विकलांग, मंद बुद्धि, अंधे या रोगग्रस्त पैदा नहीं होते। किसी मासूम बच्चे के माँ बाप गुजर नहीं जाते, तो यह सब पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। कुछ बच्चे गरीब के घर पैदा होते हैं और कुछ बच्चे अमीर के घर पैदा होते हैं और कुछ विकलांग भी पैदा होते हैं, तो ये सब पिछले जन्म के पाप पुण्य कर्म के वजह से होता है। मान लो कोई बच्चा गरीब के घर में पैदा हुआ तो उसने पैदा होते ही क्या पाप कर दिया कि उसको गरीब घर में जन्म लेना पड़ा, तो ये सब पिछले जन्म के कर्म के कारण होता है। ये अटल सिद्धांत है कि कर्म चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो उसका फल अवश्य मिलता है। हाँ, अब कुछ कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाता है और कुछ कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है। कर्म एक प्रकार का बैंक खाता है। अगर कर्म चालू खाता में जमा है तो उसका फल अभी मिल जाएगा। अगर कर्म बचत खाते में जमा हो जाता है तब उसका फल अगले जन्म में मिलता है। तो अगर हम ध्यान दें तो पाएंगे कि कुछ कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है, कुछ कर्मों का फल बरसों के बाद मिलता है और कुछ कर्मों का फल इस जीवन में नहीं मिलता, अगले जीवन में मिलता है। हमारे हिसाब से यही पूरा सच है और यही अधिकांश धर्मों की मान्यता भी है। अगर आपके पास हमारे वीडियो से संबंधित कुछ प्रश्न हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।